और अब बात करते हैं कुख्यात फरार बदमाश आनंद पाल की। 13 दिन पहले पुलिस हिरासत से फरार हुए बदमाश आनंद पाल तक तो हालांकि पुलिस नहीं पहुंच सकी, लेकिन उसके चार गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद अब लगने लगा है कि पुलिस जल्दी ही किसी मुकाम पर पहुंच सकती है। फर्स्ट इंडिया लगातार आपको बताता आ रहा है कि इस पूरी वारदात में साजिश का बड़ा मामला हो सकता है और अब जांच एजेंसियों ने अपना खुलासा कर इस पर मोहर भी लगा दी है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इन चार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद आखिर क्या हो सकती है पूरे मामले की दूसरी तस्वीर। एक साजिश की इबारत लिखने के बाद कुख्यात बदमाश अपने दो साथियों के साथ ऐसा रफू चक्कर हुआ कि प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों को उसका सुराग नहीं लगा। लेकिन पुलिस ने इस प्रकरण में एक पुलिस कमांडो शक्ति सिंह सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर ये तो खुलासा कर ही दिया कि पूरी वारदात साजिश के तहत ही हुई थी। हालांकि शुरू से ही शक की सुई कमांडो शक्ति सिंह के इर्द गिर्द घूम रही थी और फर्स्ट इंडिया ने इस बारे में पहले ही संकेत भी दे दिए थे, लेकिन अब पुलिस ने इस पर मोहर भी लगा दी है। चार व्यक्तियों की गिरफ्तारी इस प्रकरण में की गई है, जिसमें निर्मल सिंह, महेंद्र उर्फ बबलू, केसर सिंह और शक्ति सिंह जो पुलिस कमांडो है और उस चालानी गार्ड में मौजूद था जिस समय यह घटना हुई है, इन चारों को पूछताछ और अनुसंधान के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शक्ति सिंह सहित महेंद्र सिंह, निर्मल सिंह और केसर सिंह को कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें 28 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। अब तक ये बातें भी सामने आई हैं कि ये आरोपी आनंद पाल से इतना मिले हुए थे कि उसके संदेशों को भी ये इधर से उधर किया करते थे। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब उन सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है जिसने उसे सांसद में डाला हुआ था। साजिश की इस वारदात में आखिर मुख्य हाथ किसका रहा और कैसे आनंद पाल को भगाने की व्यू रचना रची गई, खाकि अब इस पर भी गहन पूछताछ मिल चुकी है। गहनता से पूछताछ की जाएगी, इन्हें षड्यंत्र की कितनी डिटेल में जानकारी थी, इस पूरे घटनाक्रम में और कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, किस प्रकार इसकी योजना बनी, किस प्रकार वाहन वगैरह अन्य अपराधी इसके अंदर कहां से आए, उनके क्या संभावित ठिकाने हैं, फरार अपराधियों के छुपने के क्या संभावित ठिकाने हो सकते हैं, इन सब बिंदुओं पर इनका रिमांड लेकर के इनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी। माना जा रहा है कि इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद और अब पुलिस रिमांड पर चल रहे बदमाशों से काफी अहम खुलासे भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी पुलिस के सामने ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर आनंद पाल कहां फरार है। और अब माना जा रहा है कि इस पूरे षड्यंत्र में शामिल रहे ये गुर्गे जब अपना मुंह खोलेंगे तो आनंद की जानकारी भी देंगे। दरअसल कुख्यात बदमाश आनंद पाल सिंह को फरार करवाने के लिए सुनियोजित रूप से षड्यंत्र रचा गया था। पूरा खेल आनंद के छोटे भाई रुपेंद्र पाल सिंह उर्फ विक्की ने रचा था। इसमें उसने गैंग के पुराने सदस्य केसर सिंह के अलावा पुलिस कमांडो शक्ति सिंह, बलबीर सिंह और महेंद्र सिंह की मदद ली थी। इन लोगों ने मिलकर आनंद पाल को फरार करवाने का पूरा खेल रचा। इस खेल में हर किरदार को अलग अलग काम सौंपा गया।
कमांडो शक्ति सिंह को चालानी गार्ड को मिठाई में नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश करने का काम दिया गया, जबकि जेल में आनंद पाल और दूसरे हार्डकोर अपराधियों से मिलने के दौरान गैंग के फरार सदस्यों को अलग अलग टास्क दिए गए। फरारी योजना के मुख्य सूत्रधार दामोदर उर्फ दामो, रुपेंद्र पाल सिंह और सुभाष बानुडा रहे। और अब यहाँ ये भी साफ है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर कुछ और भी बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है। फर्स्ट इंडिया के लिए परबत्सर से दीनानाथ योगी और डिडवाना से चाहिर उब्बास उस्मानी के साथ नागौर से यूनुस गैसावत की रिपोर्ट।